Hi, dear students. How are you all? Hope you all are fine today. So, in the previous chapter, we have learnt what we have learnt how to do separation uh, uh, according to the properties of a particular substance and then grouping it into the specific category. Okay. So, we today are going to proceed with the third chapter of class six NCERT book, and what is it, students? what is the name of the chapter the chapter name is separation of substances okay so today we all are going to learn about the separation of different substances okay students so before proceeding with the chapter i would really like to know how many students are familiar about all these tools at home i want to know किस किस बच्चों को पता है कि ये सब क्या है जो मैम दिखा रही है ये क्या है ये क्या है ये क्या है और ये क्या है क्या आप आंसर कर सकते हो आपके घर में चाय बनती है हम्म सभी पीते हैं चाय तो इंडिया में तो ये क्या है चाय की छन्नी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं टी स्ट्रेनर देख के आओ जाके अपने किचन में ये है कि नहीं हम इसे पूछो ये कहाँ पे रखी है है ना और ये क्या है बच्चों वेजिटेबल स्ट्रेनर ये ये तो सब खाते हैं पकोड़ा पकोड़ा का स्ट्रेनर है ये इसको किसके, तेल में जो पकोड़े बन रहे होते हैं तो उसको निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं सो इट इट इज पकोड़ा स्ट्रेनर एंड व्हाट इज इट पोहा ओके okay, पोहा तो दिख गया बट पोहा को पानी में से धुल रहा है वो पानी नीचे जा रहा है ये क्या है उसका स्ट्रेनर है इन सब चीजों में क्या कॉमन है बच्चों क्या हो रहा है इन सब में क्या प्रोसेसिंग हो रही है इन सब में सेपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है सेपरेशन हो रहा है और सेपरेशन का मतलब क्या होता है अलग करना अलग करना जैसे पकोड़े को तेल से अलग किया सेपरेशन हो रहा है चाय की पत्ती को चाय स्ट्रेन किया अलग किया चाय से क्योंकि हमारे मुंह में हमें चाय पत्ती का स्वाद थोड़े ना लेना है हमें तो चाय का स्वाद लेना है तो इसलिए उसको स्ट्रेन कर दिया वेजिटेबल्स को धो रहे हैं तो वेजिटेबल्स का पानी स्ट्रेन हो रहा है पोहा को धो रहे हैं पोहा का पानी स्ट्रेन हो रहा है तो यहाँ पे साथ क्या प्रोसेस हो रहा है सेपरेशन प्रोसेस हो रहा है ठीक है तो हम इसी सेपरेशन को फ्रॉम इजी टू तो लिटिल बिट हार्ड पड़ेंगे ओके कुछ ऐसे मेथड्स जो आपके डेली डेली आपके घर में होते हैं या आप करते हो ना आप कभी ना कभी ये प्रोसेस आप कर ही देते हो तो उन प्रोसेसेस को उन मेथड्स को हम स्पेसिफिकली साइंस की भाषा में क्या कहते हैं आज हम उसी को पढेंगे इजी बना बना के पढ़ेंगे एवरीथिंग इज वेरी इजी इसके बाद आप सब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आप बहुत इजीली कर सकते हैं ठीक है अगर आपको ये चैप्टर आ गया और मैं आपको ये चैप्टर बहुत ईजीली बताऊंगी ठीक है सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ये तो बता दो मैम हमें से पढ़े पढ़ना क्या है क्या पढ़ना है ये सेपरेशन क्या होता है ठीक है ये पढ़ते हैं बताते हैं बताते हैं आराम से बताएंगे धीरे धीरे चलेंगे तो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटांसेस ठीक है चैप्टर थ्री है ये आपका एजेंडा क्या है हमारा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है हम सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटांसेस के बारे में पढ़ेंगे ये सेपरेशन होती क्या है किसकी सेपरेशन करनी है हमें और क्यों करनी है ये ठीक है उसके बाद कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम सेपरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप सबको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनके शेप के अकॉर्डिंग उनके साइज के अकॉर्डिंग उनका टेक्सचर कैसा है उनका कलर कैसा है वो प्योर है कि नहीं ये तो नहीं पता चलता ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबस्टांसेस की जो हम हमारे सामने है वो सब प्रॉपर्टीज हम देखकर बता देते हैं कि ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो दिखता कैसा 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 है उसका कैसा है 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 उसका 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 टेक्सचर छूने पर शेप साइज ये सब हमें पता चलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो हम हम लोग इस चैप्टर में यही करने वाले हैं बच्चों हम लोग उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी को देख कर उसको उस मेथड के अकॉर्डिंग जो हम आगे पढ़ेंगे सेपरेट करेंगे ठीक है उसको अलग करेंगे तो कुछ मेथड्स आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं सबसे पहला है हैंड पिकिंग विनोइंग थ्रेशिंग सीविंग मैग्नेटिक सेपरेशन सेपरेशन यूजिंग फनल सेटलिंग एंड डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन ठीक है अभी आप सिर्फ मेरे मैं इन सारी टर्म्स को कैसे बोल रही हूँ वो सुनेंगे ठीक है वो आपने सुना मेरे को ठीक है अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स तो लेट्स बिगिन ओके नाउ सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेपरेशन क्या होती है हमें किसकी सेपरेशन करनी है और किस में से सेपरेशन करनी है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेपरेशन का मतलब क्या है सेपरेशन का मतलब क्या है ध्यान से सुनना सेपरेशन एक प्रोसेस है क्या है बच्चों एक प्रोसेस है जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है वैसे ही सेपरेशन एक प्रोसेस है एक प्रतिक्रिया है ठीक है इन विच द अनवांटेड और यूजलेस सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर

टू और मोर सब्सटेंसेस, दो और दो से बन के जो सब्सटेंसेस मिलकर बनते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं जैसे कि आपकी चाय ठीक है चाय कैसे बनती है बच्चों आपने कभी देखा है मम्मी को चाय बनाते हो? आपने तो बनाई नहीं होगी पर आपने देखा है चाय कैसे बनती है चाय में पहले पानी डालते हैं फिर चाय टी लीव्स डाल डालते हैं फिर चीनी डालते हैं दूध डालते हैं और फिर आपकी चाय मिलती मिलकर बनती है इस चाय को बनाने के लिए आपने कितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे ना कितनी सारी चीजें डाली उसके अंदर तो ये क्या हो गया बच्चों मिक्सचर क्या हो गया मिक्सचर मिक्सचर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्रण क्या बोलते हैं बच्चों मिश्रण ओके तो मिक्सचर क्या है कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हैं जब हम तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर ओके स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पानी है ये दो तरह के सब्सटेंसेस उस पानी में घोल दिए हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है मिश्रण मिक्सचर ठीक है दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वॉटर प्लस सैंड एक मिक्सचर बन गया है अब ये क्या है फ्रूट बाउल है बच्चों इसको मैंने मिक्सचर बोला है क्यों बोला है बच्चों क्योंकि इसमें कितने सारे फ्रूट्स देख सकते हो आप कीवी एप्पल स्ट्रॉबेरीज और भी बहुत तरह मैंगो ये सब है इसमें तो एक से ज्यादा फ्रूट्स प्रेजेंट है इस बाउल में तो ये मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स है मिश्रण है ठीक है अब जैसे आपके सारे फिजिकल स्टेट होते हैं आपको पता है एक है सॉलिड लिक्विड एंड गैस उसके सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जैसे पहला मिश्रण का एग्जाम्पल सॉलिड में कौन सा है या आपका फ्रूट बाउल या वेजिटेबल बाउल है बहुत सारे मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रख लिए तो वो आपका सॉलिड में सॉलिड की स्टेट में मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया, mix, uh, का हो गया. अब में, आप लोग लो अपने आइस क्यूब डाल देते हैं मिश्रण हो गया एक ड्रिंक है पहले से ही उसके अंदर आपने आइस डाल दी तो वो क्या हो गया मिक्सचर हो गया लिक्विड स्टेट का अच्छा अब ये क्या है मैम स्मोक क्या होती है हमें तो पता ही नहीं है स्मोक क्या होती है एस M o जी आप लोग को पता है फॉग क्या होती है फॉग क्या होती है हाँ आजकल सर्दियां हो रही है धुंध होती है धुंध उसी को हम फॉग कहते हैं और ये स्मोक क्या है ये क्या है ये है स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक ठीक है कुछ नहीं धुआं और धुंध का मिश्रण स्मोक कहलाती है तो ये गैस का हमारा एक एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का तो अभी मैं होप करती हूं कि आप लोगों को सेपरेशन का मतलब समझ में आया होगा सेपरेशन क्या होती है जब हाँ एक सेपरेशन एक प्रोसेस है जब हम अनवांटेड और यूजलेस सब्सटेंसेस को मिक्सचर में से निकाल देते हैं ठीक है और मिक्सचर क्या है दो और मोर कॉम्बिनेशन का सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं एड ऑन कर देते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं ठीक है अच्छा अब आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है जैसे एक एटल है और इसको सेपरेट कर रहा है टी स्ट्रेनर ठीक है यह मैंने हमने पहले से भी दिखा दिया है दूसरा है एक एक आपको यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है बटर uh, निकालने की मशीन दिखाई हुई है ठीक है सेंट्रिफ़िगेशन, वहां पे लिखा हुआ है आपके एनसीआरटी में सेंट्रिफ़िगेशन, देखिए ई एन फ्युगेशन ठीक है मक्खन निकाला जा रहा है इसमें ठीक है बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड कर्ड और मिल्क को चर्न करते हैं ऐसे 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 करके चर्न किया जाता है और उसमें से मक्खन को निकाल दिया जाता है तो मिक्सचर में से दही या कर्ड दही या दूध के मिक्सचर में से आप क्या निकाल रहे हो मक्खन निकाल रहे हो ठीक है ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीआर में दे रखेंगे ये सारे पिक्चर्स हैं आप ध्यान से इसको देख लेंगे तीसरा है मिक्सचर ग्राइंडर की हैंड पिकिंग विनोइंग ये सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे डोंट वरी ओके अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होने जा रहा है ठीक है वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ओके अलग अलग मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए लेकिन उससे पहले मुझे दो रीजंस बताइए कि हमें सेपरेशन करना क्यों होता है अभी हमने बताया हमें सेपरेशन क्यों करना होता है बच्चों हमें सेपरेशन इसलिए करना होता है क्योंकि हमें अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालना होता है मिक्सचर में से और हमें जो हमें चाहिए उसको हमें रखना होता है ठीक है इसलिए हमें सेपरेशन करना होता है ताकि हम अपने जो चीज हम जिस जो चीज हमें चाहिए उसको हम ले लें अभी और अच्छे से डिटेल में सम, समझ में आएगा हम इसके मेथड पढ़ने जब शुरू करेंगे तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग क्या समझ रहे हो हैंड पिक पिक पिकिंग ठीक है तो क्या मेथड है इसमें दिस इन्वॉल्व पिकिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल्स और फ्रॉम अ मिक्सचर एक मिक्सचर है आपके पास उसमें से आप अपने हाथ से चीजों को निकाल रहे हैं मान लो आपके पास जेम्स का पैकेट है ठीक है आपके भाई बहन है आप सबने जेम्स खाई होगी चॉकलेट की छोटे छोटे जेम्स होती है टॉफी होती है आप सबने खाई होगी तो आपके भाई ने कहा जब पैकेट खुलेगा तो उसमें से रेड और येलो मेरी और ब्लू और पर्पल तेरी ठीक है तो आपके पास क्या है जेम्स हैं अलग अलग कलर की ठीक है आप क्या करोगे बच्चों आप क्या कैसे कैसे निकाल के दोगे अपने भाई को ब्लू और पर्पल उसकी रेड और ग्रीन जो भी आपकी हम लोग उसमें से निकालेंगे मैम ऐसे करके एक ये तू ले, ले एक मैं ले लेता हूँ एक आप ले लो एक मैं ले लेता हूँ है ना ऐसे निकालेंगे तो आपने कैसे सेपरेट किया बच्चों ये मिक्सचर ऑफ में से आपने हैंड पिक करके अलग अलग जैम्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर फ्रेंड्स और योर ब्रदर एंड सिस्टर्स ठीक है आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपने यहाँ पे कौन सी प्रतिक्रिया करी करी प्रोसेस कौन सा किया सेपरेशन का किया ठीक है एग्जाम्पल और भी है यहाँ आप पे आपके बुक में क्या है सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस पिकिंग आउट इम्प्योरिटीज फ्रॉम ग्रेन्स अब आपने अपनी मम्मी को देखा होगा दाल और चावल है वो क्या कर रही होती है सेपरेट कर रही होती है ठीक है जैसे कि आपको इस में, मुझे आप बताइएगा कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है बच्चों क्या कर रही है लेडी yes, mixture में से अनवॉन्टेड टेबल्स और स्टोन्स को बाहर निकाला जा रहा है ताकि हम क्या कर सके हम उस चावल का इस्तेमाल कर सकें या दाल का इस्तेमाल कर सके और हमें हमेशा चावल दाल जो भी हम बनाते हैं उसको पहले छाटना है सेपरेट करना है क्योंकि हमारे मुंह में पेबल्स या स्टोन्स नहीं आने चाहिए हमें क्या चाहिए चावल और दाल चाहिए हमें पेबल्स और स्टोन्स नहीं चाहिए ठीक है तो इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड ओके सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करना है और बड़ी बड़ी चीजों को निकाल कर बाहर कर देना है अनवांटेड और यूजलेस सब्सटेंस को बाहर कर देना है ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका विनोइंग सेकंड सेकंड इज विनोइंग आप आपके लिए नया है ये ये प्रोसेस क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेवीअर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर ये जनरली प्रोसेस हम कहां यूज करते हैं बच्चों हम विनोइंग का इस्तेमाल वहां करते हैं आपने देखा होगा कि कई बारी आपकी मम्मी या आंटी लोग क्या कर रही होती है ऐसे कर रही होती है देखो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में इस वाली पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है इसमें ये छानी से एयर वहां से हवा आ रही है और जितना भी लाइट पार्टिकल्स था जो इमप्योर था वो उड़ के बाहर जा रहा है ठीक है एक्चुअली में ये क्या है इस बास्केट में बच्चों इस बास्केट में ग्रेन्स है गेहूं समझ लीजिए गेहूं से आटा बनता है आपका तो गे... ऐसे ही नहीं आ जाता आपको उसको तोड़ा जाता है फिर उसको छाटा जाता है सेपरेट किया जाता है और फिर प्योर क्वालिटी का आटा आपको मिलता है चक्की पे जाकर फिर आप उसको पिसवा पिसवाते हैं चक्की में जाकर उससे पहले का प्रोसेस है ये विनोइंग इसमें क्या होता है ग्रेन्स को व्हीट ग्रेन्स को उनके छिलकों से अलग किया जाता है एयर जाती है और वहां यहाँ फेंकी भी नहीं जाती है नेचुरल एयर चल रही होती है और ऐसे छान छान के जो लाइटर छिलका होता है वो बाहर गिर जाता है तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ है? ये, है दिखा ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ दिस इज योर वीट कनल ओके बच्चों मान लो ये स्टॉक है समझ लो ये एक स्टॉक है ठीक है उस पे ये क्या है वीट की कर्नल प्रेजेंट है वीट। इस पूरे डायग्राम को वीट बोला जाता है, और ये तो आपका हस क्या मान लो जिस पे ये वीट ग्रीन है ओके स्टूडेंट्स, इसके पीछे का ये जो है इसको हम बोलेंगे ब्रान क्या बोलेंगे बच्चों ब्रान ओके मैं आपको यहां पे समझाती हूं ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया है। यहां पे समझेंगे हम समझ लो बच्चों। ये आपका हस्क है दिस इज हस्क हस्क जिसपे वीट का वीट ग्रेन लगने वाला है ओके okay? और ये आपका ब्रान है ओके okay? ये आपका एंडोस्पर्म है ओके okay? और ये आपका है क्या जर्म नॉट जर्म दैट जर्म नॉट इंसेक्ट, ओके मैं आपको बताती हूं ब्रान क्या है न्यूट्रीशन का पार्ट होता है न्यूट्रिशनल पार्ट है पर अनफॉर्चुनेटली इसको निकाल देते हैं ठीक है हम नहीं खाते लोग कुछ लोग खाते भी हैं ऐसा नहीं है खाते हैं लेकिन जो आटा मिलता है आपको उसमें ब्रांड नहीं होता उसको फिल्टर आउट कर देते ये हैं ये होता है एंडोस्पर्म जो आपका मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हम खाएंगे जो आटा बनकर आपके पास आता है और ये जर्म जर्म इज नॉट अ इंसेक्ट ये आपका आप समझिए ये एक जर्मिनेटिंग पार्ट है ओके इसको भी बाहर निकाल देते हैं ठीक है और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर है वीट कनल ओके तो होता क्या है विनोइ सबसे पहले सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग मेथड uh, पढ़ेंगे अभी हमने पढ़ा विनोइंग ठीक है जब ग्रेन को उसकी हस्क से बाहर निकाल दिया जाता है उसके बाद उस ग्रेन को छन्नी से ऐसे करते हैं, औरते हैं। नेचर में ही ठीक है हवा आती है हवा ब्लो होती है और जो लाइटर छिलका है उसके ऊपर का जो ब्रान है बच्चों छिलका जिसे हम बोल रहे हैं ये ब्रान गिर जाता है आउट हो जाते हैं ठीक है क्योंकि लाइटर है वो निकल गया तो उसी प्रोसेस को सेपरेट हो गया ना इसी तरह से वीट ग्रेन में से हमारा ब्रांच जो है वो बाहर निकल गया उसे हम बोलेंगे उसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलेंगे विनोइंग ओके सेपरेटिंग शाफ लाइट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स हैवीअर सीड्स बाय पोरिंग द मिक्सचर एंड लेटिंग द विंड ब्लो अवे फ्रॉम द लाइटर शाफ ओके दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग अभी हमने विनोइंग पढ़ा बच्चों थ्रेशिंग भी कुछ वैसा ही है ये क्या है कि क्यों मार रहे हैं ऐसे ऐसे किसको मार रहे हैं देखते हैं थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप क्या करते हैं फार्मर्स वो क्रॉप जो हार्वेस्ट हो चुकी है जिसका सीड बोया था वो अब हार्वेस्ट हो चुकी है उसमें ग्रेन्स आ चुके हैं उस सारे बंडल्स को लेकर आते हैं एक जगह फिर उसमें थ्रेशिंग करते हैं थ्रेशिंग होता है एक तरीके का मारना ही होता है ठीक है ऐसे ऐसे मारते हैं जोर जोर से उससे क्या होगा उस ग्रेन में से वो वो जो ग्रेन है वो अपने स्टॉक से निकल जाएगी टूट जाएगी ठीक है ये जैसे उसकी स्टॉक है मान लीजिए ये उसकी स्टॉक है इस पे आपकी ग्रेन है इससे ये, ये जो पार्ट है इसका ये वाला पार्ट इस ऐसे मारने पर टूट जाएगा ब्रिटल हो जाएगा और वो निकल जाएगा ग्रेन क्या निकल जाएगा ग्रेन अपने स्टॉक से सेपरेट हो जाएगा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे सेपरेटिंग फ्रॉम द ऑफ़ लाइक और राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग ठीक है राइस के साथ भी ऐसे ही होता है और वीट के साथ भी जनरली ऐसा ही होता है ओके okay, स्टूडेंट्स अच्छा अब नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे सीविंग ये तो सब लोगों ने देखा ही होगा अपने घर में कभी कभी आप लोगों ने आपकी मम्मी या आपके फ्रेंड्स या आपकी सिस्टर ने केक बेक करा होगा तो क्या होता है बच्चों ऐसे देखा होगा आपकी मम्मी या जो भी आ, जो भी केक बेक कर रहा है वो इस छानी पर इस स्ट्रेनर पर आटा रख देती हैं और ये स्ट्रेनर के ऊपर आटा रख, रख उसको ऐसे छानती हैं ताकि फाइन पार्टिकल्स ऑफ व्हीट नीचे जाएं और उसको हम हाँ बेक करें तो इसको ये जो यही छोटा सा प्रोसेस इसको हम बोलते हैं सीविंग सीविंग इनवॉल्व यूजिंग अ सीव और मैच टू सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं कंकड़ वंकड़ जो भी अगर होगा ड्रग इम्प्योरिटीज अनवॉन्टेड सबस्टांसेस उस सीविंग सेपरेटर पर ऊपर आ जाते हैं ठीक है स्ट्रेनर के ऊपर आ जाते हैं एग्जाम्पल सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड यूजिंग अ सीव जैसे कि आप देख सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो इजी मेथड से अभी तक के हमने पढ़े क्या क्या पढ़ा हमने हैंड पिकिंग दूसरा पड़ा विनोइंग थर्ड थ्रेशिंग एंड फोर्थ सीविंग ओके हैंड पिकिंग बहुत ही इजी फिजिकल मेथड है हम लोग को बस उसके टेक्सचर कलर शेप और साइज के अकॉर्डिंग हैंड से पिक करना है हैंड से पिक करना है पिक करना है और निकाल देना है दूसरा है हमारा विनोइंग विनोइंग क्या है हमारा हमने अभी पढ़ा ब्रेन को उसकी हस्क से निकालना विद द प्रोसेस ऑफ एयर एयर ब्लो होगी और जो लाइटर हस्क होगा उसके ऊपर का ग्रेन का जो छिलका होगा वो एयर से निकल जाएगा जब ऐसे छानी से करेंगी ठीक है थर्ड है हमारा थ्रेशिंग थ्रेशिंग में हमने क्या पढ़ा क्या पढ़ा बच्चों ऐसे ऐसे मारकर ग्रेन को उसकी स्टॉक से अलग कर देना ठीक है वो जो स्टॉक बड़ी छोटी सी एक हिस्सा होती है जिससे ग्रेन स्टॉक से कनेक्टेड होती है जब हम उसको मारते हैं तो वो स्टॉक से निकल जाती है ठीक है सीविंग हमने सीविंग में क्या पढ़ा जो भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं जैसे हम, हमारा एग्जाम्पल है पेबल्स पेबल्स क्या समझते हो पत्थर पत्थर को सैंड से अलग करने के लिए ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल करा उसे हम सीविंग कहते हैं ओके स्टूडेंट्स ऑल राइट कितने सारे मेथड्स हमने कर दिए वाओ नाइस पिकिंग विनोइंग थ्रेशिंग सीविंग फोर मेथड्स डन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन आप सबके आप सबने देखी होगी मैग्नेट मैग्नेट किसी मतलब होती है क्या करती है चुंबक उसे कहते हैं हम चुंबक जैसे ये यह यहाँ पे एक चुंबक है हॉर्स शू मैग्नेट इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट बिकॉज इट्स लुक्स लाइक हॉर्स शू दैट्स वाई इट्स नोन एज हॉर्स शू मैग्नेट ओके वी ऑल नो इट Uh, क्या करेगी इट इज एडहेसिव टू टूवर्ड्स द आयरन पीसेस आयरन नेल्स ओके जैसे यहाँ पे मेथड uh, दे रखा है दिस मेथड यूजेस मैग्नेट्स टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन मिक्सचर फॉर सपोज आपके पास ये सैंड है और इसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन नेल्स प्रेजेंट है अब आप क्या करेंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे सैंड के अंदर ऐसे 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 करेंगे घूमेंगे देखेंगे क्या इसके अंदर आयरन मेल निकाल के देखेंगे बट यू आर द साइंस स्टूडेंट्स एंड यू आर स्मार्ट ओके सो क्या करेंगे आप जल्दी से मैग्नेट लेकर आएंगे और देखेंगे उसके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे कि आयरन इस पे चिपक जाएंगे तो वो बाहर निकल आएंगे तो क्या ऐसा होगा चलो हम देखते हैं कैन यू ऑल सी दिस मैग्नेट लेकर आए हाँ एंड व्हाट इज हैपनिंग आयरन नेल्स मैग्नेट के साथ आ गए चिपक रहे हैं ओके वी विल सी अगेन सी ये सैंड और आयरन नेल्स का मिक्सचर था जब हम मैग्नेट पास में लेकर आए तो आयरन नेल बाहर निकल आए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली निकल आए नो देर इज साइंस बिहाइंड दिस मैग्नेटिक सेपरेशन ओके so in this method we can separate the iron nails through magnets और कुछ ऐसे भी substances जो iron जो magnet के साथ चिपक के बाहर निकल आ सकते हैं वो हम उस separate, mixture में से separate out कर सकते हैं okay separating the iron fillings from a mixture of iron fillings and sand using the magnet very easy okay next है हमारा separation using funnel students ये आप लोगों ने देखा होगा अपनी Labs में या जैसे कि इस पिक्चर में आपको शो किया गया है ये आ, आपका कौन सा फनल वाला है आपकी पिक्चर है टेंथ पिक्चर इन दिस यू कैन सी दिस वन दिस इज फनल ये सेम एज आपकी चाय की छन्नी चाय का स्ट्रेनर जो आप घरों में यूज करते हैं वैसे ही आपके क्लास में आपके सॉरी आपके स्कूल में लेबोरेट्रीज होती हैं वहां पे आपको दिखाएंगे कि फनल होती है जो ऐसे दिखती है ठीक है ये आपका मान लीजिए ग्लास है इस फनल को यूज करा जा रहा है और यहाँ पे आपको कुछ पोर करना है जैसे कोई लिक्विड या कोई केमिकल पोर करना है तो ये छन कर जाएगा इसमें से ओके इसमें पहुंच जाएगा तो कुछ नहीं है द फनल आर यूज इन द स्कूल लेबोरेटरीज दे वर्क सेम एज दिच आर प्रेजेंट इन आवर होम्स ओके जैसा आपकी चाय की छी आपके घर में फंक्शन करती है वैसे ही लेबोरेटरीज में फनल यूज होती है कई बार ही क्या होता है आ, वेंडर्स होते हैं वेंडर्स क्या होते हैं जो अः कभी कभी आपने देखा होगा रिक्शे पे या कोई व्हीलर व्हीलर पे बेचने आते हैं तेल तो वो लोग भी अपने पास फनल लग, रखते हैं ठीक है वो क्या अगर आपकी मम्मी को कोई तेल चाहिए तो वो आपके आपकी मम्मी तेल ले के लिए डब्बा लेकर आएंगी और उस पर ये फनल रखी रख दी जाती है और उससे तेल को स्ट्रेन करके अंदर डाल दिया जाता है ओके तो दिस दिस पर्टिकुलर शेप और टूल इज नोन एज फनल ओके हम देखते हैं इसमें क्या होता है सेपरेटिंग लिक्विड एंड सॉलिड्स यूजिंग द फनल एग्जाम्पल सेपरेटिंग वॉटर फ्रॉम सैंड बाई पोरिंग द मिक्सचर ट्रू द फनल ओके सो सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड और लिक्विड में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मान लीजिए आपको पानी और आपके पास पानी है और आपके पास मिट्टी है पानी के अंदर तो फनल लगाएंगे तो वो जो मिट्टी है वो वही पे रुक जाएगी और पानी पानी नीचे गिर जाएगा तो सेपरेट हो गया ओके स्टूडेंट कमिंग वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट मेथड सेटलिंग एंड डिकेंटेशन ओके आप पहले इस पिक्चर को देख लीजिए क्या कर रही है इस पिक्चर में क्या हो रहा है ओके okay. हम दोबारा देखेंगे इस पिक्चर को ये एक कंटेनर है जि जिसके अंदर पानी और सैंड था वो पहले पड़े हुआ था बहुत देर तक उसको छोड़ दिया गया मिट्टी नीचे बैठ गई और उसके बाद उस उस कंटेनर को पकड़ के हमने दूसरे पानी दूसरे कंटेनर में क्या कर दिया ट्रांसमिट कर दिया ठीक है यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं एक प्रोसेस को फॉलो करा है दूसरे प्रोसेस ने तो बच्चों जो कंटेनर में पहले पानी और मिट्टी का मिक्सचर रख हुआ रखा हुआ था थोड़ी देर हमने उसको छोड़ दिया ठीक है ताकि अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास छन्नी नहीं है हमें पानी पीना है पानी है उसके अंदर मिट्टी है तो हम क्या करेंगे उस कंटेनर को थोड़ी देर रखे रहने देंगे उससे क्या होगा बच्चों जो भी जितनी भी मिट्टी होगी जितना भी सैंड होगा वो नीचे क्या हो जाएगा बैठ जाएगा ओके और उस पानी को हम उठा के क्या करेंगे पोर कर देंगे जब दूसरे आपकी बॉटल में या दूसरे कंटेनर में ट्रांसमिट कर देंगे तो दो प्रोसेस सेपरेट हो जाएंगे पानी आपका निकल जाएगा ठीक है आप उस पानी को पी सकते हैं ओके लेकिन अब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं ओके साइंस में क्या बोलते हैं पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम एंड पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड ओके okay? यहां पे दो प्रोसेस है एलोइंग दर पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम ओके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन जो आपके सेडिमेंट्स थे वो बॉटम में सेटल हो गए हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन एक कंटेनर में मिक्सचर था सैंड और वाटर का और वो सैंड जो है वो बॉटम में थोड़ी देर रुक गई उसको हम कहते हैं वो सेडिमेंट्स को जो पानी के अंदर बॉटम में बैठ गए हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन ठीक है उसके बाद जो पानी ऊपर ऊपर आ गया है और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं दूसरे कंटेनर में उसको हम कहते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ वॉटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर कंटेनर दिस प्रोसेस इज नोन एज डी कैंटेशन The transmission of water from one container to the other container after sedimentation is called decantation. Okay, so it is clear that decantation is followed by sedimentation, and sedimentation means the settling of the sediments at the bottom of the container is known as sedimentation. Okay, clear. Uh, next is our filtration method. What is happening in this? लेबोरेटरीज में यूज किया गया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है फिल्टर फिल्टर पेपर रखा हुआ है यहाँ पे यूजिंग अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड ओके आपके लेबरेटरीज में क्या होता है ये एक आ, समझ लीजिए एक पूरा स्टैंड है ये आपका स्टैंड कहलाता है इस स्टैंड से कनेक्टेड है ये आपका फिल्ट्रेशन पेपर ओके फिल्ट्रेशन पेपर होता है ये बच्चों आपकी लेबोरेटरीज में थोड़ा सा पेपर से थिक मटेरियल होता है इसका और इसको लगा देते हैं आपके फनल के अंदर आप एक फनल है जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया था आ, मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका फनल है राइट इसके अंदर ही आपका फिल्ट्रेशन पेपर रखा जाता है एक पेपर होता है इसे गोल कर देते हैं फिर उसको कोन बनाते हैं फिर ये चीज इसको फोल्ड कर देते हैं और उसको रख देते हैं इस फनल के ऊपर ये स्टैंड है आपका सैंड के साथ ये फनल जुड़ी हुई है ओके यहाँ पे पोर किया जा रहा है पानी यहाँ पे जितना भी आपका सेडिमेंट था वो रुक जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है दिस इज फिल्टर पेपर स्टूडेंट फिल्टर पेपर थिकर देन देपर ओके यूजल पेपर से थोड़ा मोटा होता है ऑल राइट right. तो काम क्या कर रहा है प्रोसेस क्या हो रहा है यहां पर फिल्ट्रेशन ही हो रही है सेपरेट हो रहा है सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड ओके जैसे सेपरेटिंग द टी लीव फ्रॉम द टी यूजिंग अ स्ट्रेनर वही काम हो रहा है आपके घर में जो टी स्ट्रेनर कर रहा है वही फनल कर रहा है वही आपका फिल्टर पेपर कर रहा है ओके नेक्स्ट दिस इज इवेपोरेशन ओके नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इवेपोरेशन आप सबको पता है द चेंज ऑफ वॉटर इंटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन ओके भाप बन जाना भाप वेपर्स क्या होते हैं बच्चों वेपर्स को हिंदी में बोलते हैं भाप ओके okay. एलोइंग द लिक्विड टू इवेपोरेट लिविंग बिहाइंडेशन ओके क्या किया इसमें मान लीजिए आपका आपको पानी, पानी है उसके, एक सोल्यूशन है नॉट पानी हमारे पास मिक्सचर है ओके okay? जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेपरेटिंग द सोल्ट फ्रॉम वॉटर बाय लेटिंग द वॉटर इवेपोरेट आप लोगों को पता है सोल्ट कहाँ से आता है बच्चों आयोडीन आयोडीन सॉल्ट कहां से आता है समुद्र से आता है बच्चों ठीक है मान लीजिए आप समुद्र से पानी उठा के लेकर आइए ठीक है आपने उसको कंटेनर में रखा जैसे यहां पे देख देख सकते हैं इस पानी को कंटेनर में रखा और उसको हीट करने लग गए ओके तो क्या होगा बच्चों जो आपका पानी है एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आपका पानी है वो उड़ जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा एज अ रेसिड्यू तो उस, वो उसको ऐसे यूज कर लेते हैं सॉल्ट में उसमें और भी जो हमें आयोडीन या अलग से पोटेश डालना है अलग अलग एलिमेंट्स वो डाल देते हैं और फिर वो कमर्शियली हमको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शॉप्स में उसको हम घर ले आते हैं और सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन ओके ये हमारा लास्ट प्रोसेस था ठीक है हमने कितने सारे पढ़ लिए सबसे पहले हमने पढ़ा हैंड पिकिंग सेकेंड विनोइंग थर्ड थ्रेशिंग फोर्थ सीविंग फिफ्थ मैग्नेटिक सेपरेशन सिक्स्थ सेपरेशन यूजिंग फनल सेवेंथ सेटलिंग एंड डिकेंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आप बोलेंगे इसे देन फिल्ट्रेशन एंड द लास्ट इज इवेपोरेशन ओके कुछ मेन मेन मेथर्ड के लिए मैंने अलग से एक टेबुलर फॉर्म बनाया है जिसका आपको पूछा जाता है आपके पेपर में पूछा जाता है तो हम इसको भी पढ़ लेंगे एक बारी सब यहां पर देखो नेम ऑफ मेथर्ड है पहला हैंड पिकिंग ठीक है सबसे पहले आपको इसकी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है ठीक है सबसे पहले तो आपको उसका प्रिंसिपल बताना है नंबर वन ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ठीक है विजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड मैनुअल रिमूवल आपकी आंखों से आप आइडेंटिफाई करेंगे फिजिकल स्टेट को शेप साइज कलर को को टेक्सचर और उसको उसके अकॉर्डिंग बड़े छोटे के हिसाब से उसको निकाल दी निकाल देंगे जैसे कि दाल का मिक्सचर है उसमें से आप पेबल्स अपने हाथ से अलग कर देते हैं तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड मैनुअल रिमूवल मैनुअल मीन्स हम लोग मैन है ना ह्यूमन है ना हमारे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है हम कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैनुअल के रिमूवल मैनुअल अपने हाथ से लेबर कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैनुअल रिमूवल ओके मैन अपने हाथ से सेपरेट कर रहा है एंड पिक कर रहा है ठीक है और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा ठीक है कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है साइज शेप कलर डेंसिटी लार्ज साइज कलर है, distinctive colors है. जैसे, लो, आपकी, आ, आपकी घर में मसालदानी है वो गिर जाती है उसके अंदर कितने सारे कॉलम से अलग अलग जीरा हींग अजवैन लाल मिर्च हल्दी सब कुछ रखा हुआ है वो गिर गई मान लो अब उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे उसके टेक्सचर उसके साइज को देखकर टेस्ट भी करके देख सकते हैं चाहो तो जीरा पेस्ट कर लो कि यार ये तो जीरा इसे साइड कर दो जीराज है इसको साइड कर दो उसके कलर से भी थोड़ा सा कोई रोस्ट है। कलर तो होता है ये हल्दी येलो और लाल मिर्च रेड कलर की उससे उससे हम सेपरेट कर देंगे ठीक है हैंड के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है हैंड पिकिंग ओके तो ये प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी और कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है टाइप ऑफ मिक्सचर मतलब सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है इसलिए हमने उसको हैंड पिक से कर दिया आगे आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें पूछा जाएगा कि मान लो ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है इसमें कौन सा मेथड हम यूज करेंगे ठीक है मैनुअल या जो सा भी हम लोग वो आगे देखेंगे तो इसलिए इसको उस तरह से ही पढ़ेंगे ठीक है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम, हम पढ़ रहे हैं ये उसके बाद इसका एग्जाम्पल है जैसे रिमूविंग पेबल्स फ्रॉम द ग्रेन और समथिंग विच यू आर विच यू नीड जैसे की यहाँ पे इन्होंने दिया कलेक्शन ऑफ सी शीच ओके पैबल्स निकाल देना और सीशेल्स को अलग कर देना ये एग्जाम्पल है से. दूसरा आपका मेथड है विनोइंग विनोइंग में क्या है कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है आपने मैंने अभी आपको बोला विंड ब्लो होगी ऐसे छाने करेंगे विंड ब्लो से जितना भी लाइटर उसका कवरिंग होगा ग्रेन का वो उड़ जाएगा ठीक है तो ये किस पे काम कर रही है ये काम कर रही है मास पे ठीक है ना मा, मास यानी कि वेट कितना है उसका जित, जिसका जितना लाइटर वेट होगा वो जल्दी से उड़ जाएगा एयर से तो और वेट ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर टिपिकली वन कंपोनेंट बीइंग लाइटर एंड मोर इजली कैरिड अवे द एयर करेंट्स ठीक है जो लाइटर होगा वो उड़ जाएगा छिलका उसका उड़ जाएगा ग्रेन ग्रेन रह जाएगी तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास ठीक है और सेकेंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली यहाँ पे साइज आएगा शेप आएगी हैवी लाइट वो आएगा ग्रेविटी भी आएगी ग्रेविटी आपको आपको पता है जो हैवी हो जाएगा वो ग्रेविटी क्या होती है एक तरह की फोर्स है जो धरती लगाती है किसी भी सब्सटेंस पे हम हम पर भी लग रही है तभी तो हम यहाँ पे इंटेक्ट बैठे हुए हैं उड़ नहीं रहे हैं ठीक है थीके? ऐसे ही ऐसा क्यों हुआ कि हवा आई और छलका छलका छिलका छिलका ब्लो अवे हो गया और सीड रह गया क्योंकि सीड हैवी था उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने पकड़ लिया और छिल चल, छिलका लाइटर था वो उड़ गया ठीक है तो यहाँ पे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेविटी भी आएगी फिर विंड और स्पीड तो है ही ये ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जो इम्पेक्ट कर रही है उस मेथड को होने के लिए इम्पैक्ट कर रही है ठीक है जिसके रिजल्ट से हो रहा है ये प्रोसेस ठीक है उसके बाद ये कौन से मिक्सचर को कौन से मिक्सचर को विनोइंग सेपरेट करती है सॉलिड सॉलिड है ना हस्क है और हस्क है और ग्रेन है सॉलिड सॉलिड है दोनों उसके बाद ये इसका एग्जांपल है सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ और सीड्स ठीक है नेक्स्ट इज थ्रेशिंग हम सबको पता है थ्रेशिंग अभी हमने पढ़ा था कि स्टॉक को ग्रेन से निकाल देना ठीक है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है बेस्ड ऑन द मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ एडिबल ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द नॉन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज स्टॉक्स और पॉट्स पॉट्स क्या होते हैं आप लोगों ने पी देखा है मटर वो छिलके पे लगे होते हैं छिलके अंदर छिलके के अंदर होते हैं छोटा सा जो मटर का दाना होता है आपने कभी देखा होगा तो छोटी सी उसके अंदर हल्की सी एक एक लेयर होती है जिससे वो मटर टंगा होता है उस लेयर को ही हम पॉड कहते हैं वैसे तो ये पूरा ही पी पॉड है ठीक है उससे निकाल देंगे तो हम हमारा भी प्रोसेस हो जाएगा कौन सा थ्रेशिंग प्रोसेस हो जाएगा तो मैकेनिकल है भाई इंसान अपने हाथों से कर रहा है थ्रेश कर रहा है मार रहा है उसको ताकि स्टॉक में से ग्रेन बाहर सेपरेट हो जाए ठीक है तो ये उस पर काम करता है मैकेनिकल सेपरेशन है कोई यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मैकेनिकल है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ब्रिटलनेस साइज एंड शेप ब्रिटलनेस क्या होती है भाई ब्रिटलनेस मतलब टूटना ओके okay? जल्दी से टूट जाना ठीक है साइज और शेप जो छोटा होगा जल्दी से निकल के चला बाहर आ जाएगा ठीक है और कैसा मिक्सचर है ये सॉलिड सॉलिड है भाई स्टॉक में से निकाल रहे हैं हम सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द स्टॉक ओके सीविंग बेस्ड ऑन द साइज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं वो छन के छन्नी के ऊपर आ जाते हैं जो लाइट हो जाते हैं वो छन्नी के नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे छन्नी का साइज भी डिपेंड करता है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीव ओपनिंग साइज कैसा छन्नी का साइज है छोटा है बड़ा है कैसा है ओके सॉलिट सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सचर है फिल्टरिंग आउट द लार्ज पार्टिकल्स ओके नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इसमें क्या है Uh, कौन सी प्रिंसिपल uh, पे बेस है ये रिलाईज ऑन द सेटलिंग ऑफ डेंसर पार्टिकल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमने हमने क्या देखा था एक कंटेनर था कंटेनर में सैंड और पानी का मिश्रण था मिक्सचर था ग्रेविटी के uh, वजह से जो सैंड सैंड था वो नीचे बैठ गई बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द वाटर में बैठ गया वो सेडिमेंट्स तो इस किस पे बेस कर रहा है ये प्रिंसिपल रिलाई कर रहा है जो भी डेंसर पार्टिकल्स होगा हैवी पार्टिकल होगा वो तो पानी के अंदर नीचे बॉटम में बैठ जाएगा ओके okay? और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डेंसिटी पार्टिकल साइज और ग्रेविटी ओके okay? और ये कौन से तरीके का टाइप ऑफ मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड ओके सेपरेटिंग द स्टैंड फ्रॉम वाटर हम फिल्ट्रेशन बहुत ही इजी चैप्टर है ये आप आपको सिर्फ मेथड्स को लर्न करना है उनके प्रिंसिपल को लर्न करना है जरूर और Uh, उसके एग्जाम्पल लर्न करने है। ये तीनों से आपका बन जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज नेम में पूछी जाती है कि किस पे किसके इम्पैक्ट से हमारा वो प्रोसेस हो रहा है और ये जो टाइप ऑफ मिक्सचर है ये पूछ लिया जाता है कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है ठीक <coughs> है ज्यादातर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है ओके फिल्ट्रेशन ये किस पे ये किसका प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन कॉम्पोनेंट्स फिल्टर वैसे की चाय को जब छानते हैं तो चाय पत्ती रह जाती है बाकी सारे चला जाता है इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स ऑफ द स्ट्रेनर कि कौन ऊपर रहेगा ठीक है कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है बड़ी सी छानी रख देते हैं मिट्टी को छाट रहे होते हैं टेबल्स के लिए बड़ी सी छानी ऐसे आ, मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे मान लीजिए ये बड़ी सी छानी रख दी जाती है ऐसे ठीक है यहाँ पे ऐसे ऐसे नेट की छानी होती है ये स्ट्रेनर होता है स्ट्रेनर ठीक है फिर इसमें मिट्टी को पोर किया जाता है तो नीचे सारी जो मिट्टी है उसके अंदर पेबल्स नहीं होते पेबल्स पेबल्स ऊपर रह जाते हैं और मिट्टी नीचे चली जाती है ठीक है तो हम इस मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं सीमेंट में मिक्स करते हैं और फिर ये मिक्सचर काम करता है किसमें कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ओके स्टूडेंट्स ठीक है तो यहां पे फिल्ट्रेशन हो रही है ठीक है इट डिपेंड्स ऑन द पोर है है okay? <coughs> है हमारा evaporation, हमने पढ़ लिया था, ठीक ना? Uh, boiling point क्या है? उस मिक्सचर का उस पर डिपेंड करता है कि कौन पानी पानी किस समय भाप बन के उड़ जाएगा और हमारा जो सब्सटेंस है जो हमें चाहिए वो नीचे रह जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये कैसा मिक्सचर हुआ सॉलिड लिक्विड ठीक है ओके स्टूडेंट्स सो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है इसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से आपके एनसीईआरटी में है तो बच्चों इसमें क्या होता है जैसे एक मिक्सचर है हमारे पास पानी है ओके okay? वाटर, इस वाटर को साइंस की भाषा में हम सॉल्वेंट कहते हैं बच्चों कहते हैं सॉल्वेंट ठीक है अब इसके अंदर हमने जब सॉल्ट डाला सॉल्ट तो ये जो सॉल्ट डाला है इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं सोल्यूट और ये सोल्यूट कोई भी हो सकता है बच्चों यहाँ तो सॉल्ट होएगा या वाटर हो गया या अभी जो हमने पढ़ा सैंड हो गया तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो बनता है क्या सॉल्यूशन ओके okay? ये सॉल्यूशन बन गया आपका अब आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारा हम सॉल्यूट डाले जा रहे हैं इसके अंदर पानी के अंदर वी आर मिक्सिंग द सॉल्यूट इन साइड द सॉल्वेंट डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं ताकि वो डिजोल्व हो जाए ठीक है बहुत सारा सॉल्वेंट हम सॉल्यूट हमारा डिजोल्व हो गया है में और अब एक ऐसा पॉइंट आया जब वो और डिजोल्व हो ही नहीं रहा है जो एक्सेस ऑफ सोल्यूट था वो नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो गया ठीक है हम उस पॉइंट को कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट और अब जो वो पानी बन चुका है सोल्यूशन जिसके बॉटम में आकर वो सॉल्यूट और नहीं घुल रहा डिजोल्व नहीं हो रहा सॉल्वेंट में उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन ओके क्योंकि उस सॉल्यूशन ने एक्वायर कर लिया है अपना सेचुरेशन पॉइंट कि अब मैं आगे डिजोल्व नहीं होऊंगा वो पीक पर आ गया है उसके बॉटम पे आ गया है अब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये एनसीईआरटी कह रही है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कभी घुलेगा क्या वो बैठा हुआ बॉटम में सोल्यूट आपका कभी डिजोल्व होगा कैसे करोगे बिल्कुल हो सकता है बिकॉज इन साइंस एवरीथिंग इज पॉसिबल एटलीस्ट हम लोग ऐसा मानते हैं तो हम अगर इसके नीचे क्या रख दें? बर्नर रख दो गैस जला दो इसको तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लग जाएगा ओके okay? ये आपका चैप्टर था लेकिन आपको अभी इसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही है इसमें ओके okay? वो मैंने आपको एक्सेस नॉलेज दे दी ठीक है तो ये हमारा चैप्टर था अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी समरी बता देती हूँ इस चैप्टर की हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर है हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेपरेशन होता क्या है अलग करना क्या होता है सेपरेशन क्या है एक प्रोसेस है बच्चों ठीक है जिसमें हम सेपरेट आउट करते हैं मिक्सचर में से मिक्सचर में से जितना भी इम्प्योरिटीज है अनवांटेड यूजलेस सब्सटेंसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए उसे हम अलग कर देते हैं और हमें जो वांटेड सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकाल देते हैं उसको हम सेपरेशन कहते हैं वो एक प्रोसेस है मिक्सचर क्या है अभी हमने पढ़ा था दो दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स को जब हम मिला देते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं ओके अब क्वेश्चन था कि सेपरेशन करते क्यों है सेपरेशन इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें प्योर सब्सटेंसेस और इमप्योर सब्सटेंसेस को अलग कर सके सेपरेट कर सके एंड देन वी कैन मेक यूज ऑफ द वांटेड सब्सटेंसेस फॉर आवर लिविंग ओके या लिविंग के लिए या जो भी हमें करना है उसके लिए ठीक है उसके बाद हमने इसमें पढ़े मेथड्स मेथड्स ऑफ सेपरेशन ठीक है सबसे पहले हमने पढ़ा हैंड पिकिंग दूसरा पढ़ा हमने विनोइंग थर्ड पढ़ा हमने थ्रेशिंग फोर्थ पढ़ा हमने मैग्नेटिक सेपरेशन फिफ्थ पढ़ा हमने फिल्ट्रेशन सिक्स्थ पढ़ा हमने सेटलिंग एंड डिकेंटेशन या फिर कह लो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन और, और सेवेंथ हमने पढ़ा Evaporation, ये आपके सेवन मेजर हैं सेपरेशन के ठीक है याद रखने को okay? Hand picking में में है manually हम निकाल लेते हैं में हमारा जो ग्रेन है वो उसको हस्क से सेपरेट कर लेते हैं एयर ब्लो करके या नेचुरली हम लोग निकाल देते हैं टैशिंग में हम जब मारते हैं उस स्टॉक को उसमें से ग्रेन्स बाहर निकल आ जाते हैं उसके पॉट से स्टॉक से है, उसे हम फ्रेशिंग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास तो मैग्नेट से हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को फिर हमने फिल्ट्रेशन देख लिया सॉलिड लिक्विड पानी और हमारे पास सैंड है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन देख लिया जब पानी हमारे पास सॉल्यूशन है सैंड uh, और पानी का तो सैंड के जितने भी स्टोन uh, है बड़े बड़े इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बॉटम में आके बैठ जाते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं उसके बाद जब हम अब हम पानी को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे कंटेनर में तो वो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर टू द सेकेंड कंटेनर इज नोन एज डिकेशन इवेपोरेशन है उसमें हम लोग पानी को उड़ा देते हैं और जो हमारे को प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए वो हमें मिल जाते हैं ओके अब हम इसके एनसीआरटी के एक्सरसाइज करेंगे ऑल नाइट स्टूडेंट्स ओके

ताकि हम लोग इमप्योर सब्सटेंसेस में से प्योर सब्सटेंसेस को बाहर निकाल सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें अनवांटेड और अनयूजलेस सब्सटेंसेस को हम सेपरेट आउट कर सकें इसलिए हम सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर में गिव टू एग्जांपल्स दो एग्जांपल जैसे आपके डेली डेली में है सेपरेशन ऑफ टी लीव ठीक है विद टी स्ट्रेनर दूसरा आप लिख सकते हैं मडी वाटर को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स आगे है व्हाट इज विनोइंग वेयर इट इज यूज हमने पढ़ पढ़ लिया है है विनोइंग क्या बच्चों विनोइंग में हम लोग क्या करते थे एयर ब्लो होती थी और ग्रेन को उसके हस्क से बाहर निकाल देती थी हेवियर पार्टिकल नीचे रह जाता था और लाइटर पार्टिकल हमेशा उड़ जाता था तो विनोइंग एक प्रोसेस है जो सेपरेट करता है ग्रेन को उसके हस्क के हस्क से विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लोइंग ऑफ एयर ठीक है यह आप लिख लेंगे सारे आंसर्स आपके नोट्स में मैंने लिखवा दिए हैं तो प्लीज आप उसको उसमें से आप देख लेना और लिख लेना एग्जाम्पल जरूर, जरूर लिखना है और डेफिनेशन प्रिंसिपल जरूर लिखना है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसे इम्पैक्ट कर रही है वो पूरे टेबल में मैंने आपको बना के दी हुई है वो आप आ, को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग तो हम क्या करेंगे लेंगे या तो हम सीव सीविंग कर लेंगे ठीक है सीविंग कर सकते हैं हम उसको डॉट पार्टिकल्स को निकाल निकाल सकते हैं और अगर बहुत बड़ा कंपोनेंट है हम लोग प्लेट में रखेंगे और हैंड पिकिंग से उसको निकाल देंगे ठीक है डन इज इज सीविंग इट हमने पढ़ लिया है सीविंग क्या है जब हम स्ट्रेन करते हैं जैसे हम लोग बेक कर रहे हैं आटे को उसको हम बेक कर रहे हैं मैदे को तो उसमें से फिल्टर आउट हो जाता है वो उसको हम सीविंग कहते हैं ठीक है पूरा वहां पे आपको लिखा हुआ है वहां पे आपको जो आपके मेरे नोट्स हैं आपको उसमें से आंसर मिल जाएगा हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वॉटर फ्रॉम देर मिक्सचर कैसे सेपरेट करोगे सेडिमेंटेशन से फॉलोड बाय डिकेंटेशन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद द वीट फ्लोर इफ येस हाउ विल यू डू इट हाँ हम कर सकते हैं सीविंग से हम इसको कर सकते हैं छान सकते हैं आटा और चीनी को हम लोग क्या कर सकते हैं छान सकते हैं सीविंग इज द आंसर हाउ वुड यू वेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर कैसे निकालोगे आप फिल्ट्रेशन इजी मेथड सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर में हम फिल्ट्रेशन यूज कर देंगे और हम लोग मडी वाटर को सेपरेट कर देंगे Phillips आ गए आपके द मेथड ऑफ ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड स्टॉक्स में से निकालना है उसके हस्क में से नहीं स्टॉक में से निकालना है तो यूज करेंगे हम थ्रेशिंग अगर उसकी हस्क से होता तो हम यूज करते क्या बच्चों विनोइंग अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे थ्रेशिंग

Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Okay. Evaporation. Evaporation. All right. Impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. दिस क्लियर वॉटर वॉज देन पोर्ड इट फ्रॉम द टॉप उसको हम बोलते हैं क्या दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डी कैंटेशन दोनों लिखेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन अचर ऑफ ट्रूअर फॉल्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वॉटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेशन फॉल्स

डालेंगे? जब वो तुम टेम्परेचर पे हमारे पास लेमिनेट प्रेजेंट होगा आइस डालने के बाद उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और ऐसे चांसेस है कि शुगर डिजोल्व पान उस सोल्यूशन में लेमिनेट में नहीं होगी आफ्टर पोरिंग आई आए, ऑइस आफ्टर पोरिंग द आईस हमारा डिजोल्वमेंट ऑफ शुगर उस लेमिनेट के अंदर नहीं होगा। तो हमें आइस क्यूब डालने से पहले हमें करनी है शुगर लेमिनेट में। दिस इज फॉर द क्लास आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे uh, नीचे कमेंट डाउन कर देना ओके स्टूडेंट्स टेक केयर बाय यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू